विनीत और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क यूट्यूब चैनल को। तो आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट के ऊपर होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से किसी वाईफाई के राउटर से आप किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं बिना पासवर्ड के। तो इस वीडियो का पर्पस कोई इलीगल वर्क नहीं है और ना ही मैं इस बात को बढ़ावा देता हूँ। तो आप इस वीडियो का सिर्फ इस्तेमाल अपने राउटर के साथ कीजिए और इससे ज़रूर कुछ सीखिए। और इस वीडियो में जो दिखाया जाएगा ये सिर्फ मेरा पर्सनल राउटर है, ये किसी और का राउटर नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है। तो देखिए, राउटर के पीछे पासवर्ड लिखा है लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। आप नीचे देख पा रहे हो, पासवर्ड तो लिखा है लेकिन हम उसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो पासवर्ड वैसे मैंने चेंज कर दिया। हम इसके अंदर एक दूसरी सेटिंग का यूज़ करेंगे, WPS। तो देखिए हम कैसे WPS का यूज़ करके वाईफाई कनेक्ट करते हैं। अभी ऑन टाइम आप देख सकते हो कोई भी वाईफाई हमारा कनेक्टेड नहीं है। इस ये भी पासवर्ड मांग रहा है और यही वाला हमारा है टीपी लिंक वाला ही, नीचे जो टेंडा आ रहा है वो नहीं है हमारा। तो आप इससे कनेक्ट करेंगे, ऊपर आप देख सकते हैं कोई कनेक्ट नहीं है। आपको अपनी एडवांस सेटिंग में जाना है और कनेक्ट वीआ WPS पे क्लिक करना है और अपने राउटर में एक लास्ट में पीछे आप देख पाओगे एक बटन होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एथरनेट केबल के साइड में एक बटन है जिस पे WPS लिखा हुआ है। इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है और आप देख रहे होंगे ब्लिंकिंग हो रही थी लाइट और ये अपना यहाँ पे शो कर देगा। देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्टेड टू वाईफाई नेटवर्क टीपी लिंक। और अभी मैं ओके करके आपको ऊपर सिग्नल दिखा देता हूँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे सिग्नल आ चुके हैं, ये कनेक्ट हो चुका है। हम यहाँ पे एक और काम करेंगे, इसको दोबारा आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मैंने फॉरगॉट कर दिया है और एडवांस सेटिंग में दोबारा मैं जाके कनेक्ट करता हूँ इससे। पहले मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ WPS पुश बटन, आपके में अगर ऑप्शन आता है पुश बटन वाला तो आप वो करिए, मीनिंग दोनों का सेम है। और ये हमारा ब्लिंकिंग हो रहा है आप देख रहे हैं और ये कनेक्ट हो जाएगा। एज यू कैन सी हमारा कनेक्ट हो गया है, बिना पासवर्ड के हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया है। आप इस तरीके से किसी भी वाईफाई राउटर से कनेक्ट हो सकते हैं बिना परमिशन के। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, आप इसका इस्तेमाल गलत कामों में ना कीजिए। गाइस, मेरे पास टॉपिक्स तो कई हैं लेकिन मेरे पास अभी कोई एक गिवन पर्पज़ नहीं है, किसी ने अभी मुझे सजेस्ट नहीं किया है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए। तो आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट।